हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अमेजिंग कम्युनिका, माय थर्ड ब्लॉग। पता नहीं ये आज अपलोड होगा या नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीट नहीं होगा तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे। सुबह से मतलब सुबह होते ही मेरा जो फ्लैट है वो एकदम हाईवे के पास है, तो गाड़ी का इतना साउंड होता है, यू जस्ट कांट इमेजिन। आई मीन साउंड पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन टुगेदर, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बट द लोकेशन इज़ टू गुड, आई मीन इतना अच्छा लोकेशन है कि बहुत बार सोच कर भी ये नहीं सोच पाई कि इस जगह से कहीं और जाना है, सिर्फ लोकेशन के कारण। मतलब सब कुछ अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि इधर अवेलेबल नहीं है। आपको एयरपोर्ट जाना है या फिर आपको ट्रेन पकड़नी है या फिर आपको मेट्रो जाना है या फिर आपको बस या फिर कुछ भी, एनीथिंग, आई मीन सब टाइप का ट्रांसपोर्ट इधर बहुत अच्छा अवेलेबल है। बस इसी कारण ये जगह हम लोग प्रेफर करते हैं। तो जो भी है, आज अच्छा एक चीज़ मैं दिखा दूँ, आज एक एक्स्ट्रा चीज़ मेरे कान पे आप लोग देख रहे होंगे, ये छोटा सा ब्लूटूथ हेडफोन है जो मुझे मेरे पति देव ने गिफ्ट किया है इसमें वैलेंटाइंस डे में। तो इससे मुझे एक फ़ायदा दिखा, कल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो कल मैं ये लगा कर गाड़ी में रिकॉर्ड कर रही थी, तो मुझे लगा कि ये लगाकर जब मैं बात कर रही थी तो साउंड अच्छा रिकॉर्ड हुआ था। तो मैं सोची अभी भी मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ना तो तार वार लगाकर मतलब बहुत ख़राब लगता है, तो इसीलिए ये अभी लगाकर बात कर रही हूँ। अभी बहुत सारा काम बाकी है, जैसे घर को थोड़ा समेटना है, बेड वेड को ठीक करना है, खाना खाना बनाने के लिए मेरी जो कुक है वो आ चुकी है। तो अब आप लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि कुक क्यों है, मैं हूँ तो पॉइंट ये है कि मैं नहीं रहती हूँ। अभी मैं एक महीने से हूँ इधर घर पे, लेकिन यूजुअली मैं नहीं रहती हूँ। मैं जब से बाहर जाना शुरू की, बाहर काम करना शुरू की, तो मेरे घर वालों के लिए, क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं है, तो मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, वो लोग क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, ये सब सोच कर मैंने कुक अपॉइंट किया जो बहुत अच्छा खाना बनाती है, और तब से लेकर अब तक वो है, और मैं हूँ तब भी वो है। कभी कभी मन होता है तो मैं खाना बना लेती हूँ, तो आज फ़िलहाल मैं नहीं बना रही हूँ। और वैसे भी घर पे भी रहती हूँ तो मेरा खुद का काम रहता है। अभी कुछ टाइम बाद ही मैं शायद टिफ़िन करके खाना सॉरी आई मीन मेरा काम पे मैं बैठ जाऊँगी। मुझे कंटेंट, मेरा जो टाइपिंग वाला कंटेंट राइटिंग वाला काम है, क्योंकि वो सिर्फ ये नहीं, मतलब कंटेंट रेडी नहीं करना पड़ता है, उसको टाइप भी करना पड़ता है, क्योंकि अभी पेन एंड पेपर वाला टाइम तो गया है, सीधा टाइप ही कर देते हैं, तो वही बाकी है। तो वो सब करते हैं तो उसके लिए टाइम देना पड़ता है। और मेरे पति देव अभी बहुत मन देकर मेरे सिंपल लाइफ गोल्पगुच्छों का एडिटिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि उस चैनल में मैंने कहा था मेरे यूजर्स से कि मैं रोज़ एक स्टोरी अपलोड करूँगी, भले और मुझे सबसे बड़ी बात है कि उस चैनल में जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज़ मैंने जो नोटिस किया है, फिक्स व्यूज़ हो रहा है, और उसमें कुछ व्यूअर्स हैं जो लोग पॉजिटिवली देखते हैं। और मेरा मानना ये है कि मेरे चैनल में अगर एक दो तीन चार आदमी भी वो सीरियसली देखें और उन लोगों से मुझे फीडबैक मिले, उन लोगों से मुझे रिक्वेस्ट मिले, तो वो मेरे लिए काफ़ी है। नेसेसरी नहीं है कि मेरा सब्सक्राइबर बहुत है तो सब लोग देखें। हो सकता है, मैंने कहा है, एक यूट्यूबर का वीडियो मैं देख रही थी उस दिन कि आपके चैनल में मैक्सिमम अगर आपके अपने हैं तो वो आपका वीडियो नहीं देखेंगे, और ये फैक्ट है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा चैनल वही लोग सब्सक्राइब करें जिनको सही में स्टोरी सुनना पसंद है, ना कि जस्ट मुझे पसंद करता है इसलिए अपलोड मतलब ये कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया।
ऐसा नहीं है जैसे अमेजिंग में, अमेजिंग में वो लोग सब्सक्राइब किया है जो मुझे पसंद करता है, मेरे पागलपन को पसंद करता है, मुझे देखना पसंद करता है, वो उन लोगों ने सब्सक्राइब किया है। मैं अमेजिंग कमोलिका का लिंक यूजुअली बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें शेयर करना मुझे नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि मैं शेयर करूँ, मैं चाहती थी कि इधर वही लोग आए जो मुझे देख कर आए। तो मैंने देखा कि यूजुअली मेरे शॉर्ट्स वीडियो, पता नहीं कैसे शॉर्ट्स वीडियो जो है वही देखकर लोगों को अच्छा लगा और लोग सब्सक्राइब करने लगे। तो मैं सोची कि सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड करने से बेटर है कि मैं मेरे बारे में भी कुछ कुछ अपलोड करूं, तो इसीलिए मैंने शुरू किया। और शायद मैं जब अप्रैल से बाहर जाऊंगी, ऐसा ही कुछ सोच के रखी हूँ, तो तब शायद और भी वैरायटी मिलेगा, क्योंकि बाहर का व्यू मिलेगा आप लोगों को, दूसरे स्टेट के लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, वो सब भी मैं दिखा पाऊँगी। लेकिन फैक्ट तो यही है कि अगर आप लोग बोलेंगे कि क्यों मैं बाहर जाती हूँ, तो रीज़न यही है कि इधर स्टैंडर्ड कुछ नहीं मिल रहा है। मुझे जितना पैकेज मिलता आया है उतना मुझे इधर मिलेगा, तभी ना मैं इधर रहूँगी। मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि इधर कहीं भी कुछ भी मैं कर लूँ। इसीलिए मैं बोली कि कोलकाता रहना मतलब मुझे खुद का कुछ करना पड़ेगा। और सोच तो रही हूँ कुछ, एक तो मैं खुद का काम करती हूँ वो है, उसके साथ और कुछ करना चाहती हूँ, बोल सकते हैं एकदम फुल्ली एक बिजनेस लेडी बनना चाहती हूँ। पता नहीं कब तक ये हो पाएगा। हाँ, यूट्यूब में ये यूट्यूब जो मतलब स्पेशली जो अमेजिंग कमलिका है, इसका मोटिव मेरा थोड़ा अलग है। ये टोटली मेरा चैनल है, मतलब इसमें जो भी एडिटिंग होता है, कुछ भी होता है, वो मैं करती हूँ, क्योंकि ये एक मतलब इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है कि मेरे हस्बैंड बैठ के इसको एडिट करे। हो सकता है फ्यूचर में आप लोगों का दया वया हो और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर मतलब उस लेवल पे जाए सब्सक्राइबर के यूट्यूब से मुझे इनकम मिले, तो हो सकता है वो भी इंटरेस्ट ले और एडिट कर दे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं भी उनको नहीं बोलती हूँ कि इसमें ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। तो लेकिन इस चैनल का मेरा मोटिव यही है कि मैं आप लोगों से बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में कंटेंट का भरमार है, लेकिन इसके लिए जो चाहिए वो है पैसा, बहुत पैसा। और जो मैं काम करती हूँ मेरे ब्रेड एंड बटर के लिए, उससे मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि इससे अगर मुझे कभी इनकम मिले तो मैं इसी का पैसा इसमें इन्वेस्ट करूँ, और तब मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करूं। नॉट ओनली आप लोगों के साथ, उसके साथ साथ मैं कुछ और भी अच्छा काम करना चाहती हूं। मैं कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है जहां से मैं जुड़ी हुई हूं, वो सब ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी मैं चाहती हूं कि मैं कुछ बच्चों को मदद करूं, क्योंकि मेरा एक बहुत दिनों का सपना है, बोल सकते हैं। मैं एक मतलब छोटा सा स्कूल टाइप का खोलना चाहती हूँ, और जो फ्री स्कूल होगा, जिसमें मैं पैसा नहीं लेना चाहती हूँ, जिसमें बच्चे आएंगे, मतलब सरकार के तरफ से तो है, जहाँ से उन लोगों को डिग्री मिलता है। मैं डिग्री नहीं दूँगी, लेकिन मैं लिटरेट बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास आए और मैं फ्री में पढ़ाऊँ, कोई प्राइवेट ट्यूशन पैसा देकर ना पढ़े। तो ऐसा कुछ मेरे दिमाग में है, लेकिन उसके लिए भी मैंने जैसे कहा कि पैसा बहुत ज़रूरी है। मैं अगर चाहूँ भी कि मैं 10 बच्चे का ज़िम्मेदारी लूँ, कि 10 बच्चे को मैं कुछ कुछ दूँ, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो सब कुछ घुमा फिरा कर उस एक ही पॉइंट में आ जाता है, पैसा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ इधर से लोग इनकम करते हैं, इनकम करके अपने पीछे खर्चा करते हैं, तो मैं वो नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हो सकता है कि मेरे लिए मैं 1 रुपये रखूँ और बाकी पूरा पैसा मैं कुछ और काम पे लगाऊँ, और काम में इन्वेस्ट करूँ। तो ये मेरा मोटिव है, और यूजुअली मैं जो बोलती हूँ मैं वो करती हूँ। तो
देखते हैं। अब ये सब तो आप लोगों के हेल्प के बिना, मदद के बिना कभी नहीं हो सकता। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग मेरा सब्सक्राइबर्स बनेंगे, व्यूअर्स बनेंगे, मेरा वीडियो ज़्यादा ज़्यादा देखेंगे, तभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा। तो मैं भी वेट कर रही हूँ। किसी किसी का चैनल तो 2-3 महीने में इस्टेब्लिश हो जाता है और किसी किसी का 4-5 साल में भी कुछ नहीं हो पाता है। तो मेरा किस्मत में क्या लिखा है आई डोंट नो। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। मुझे आप लोगों के ऊपर भरोसा है, आई ट्रस्ट यू। तो देखते हैं कि क्या होता है। अभी मैं मेरा ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। आज ब्रेकफास्ट में कुछ अलग है, दिखाती हूँ कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट में मैं क्या खाने वाली हूँ। ओके, तब तक के लिए बाय। मैं एक्चुअली आज खाने वाली हूँ केक। कल जहाँ गई थी वो लोग कितना सारा खिलाने के बाद भी उन लोगों का मन नहीं भरा तो केक भेज दिया। तो कल रात को हम लोग सही में डिनर नहीं किए, तो अभी इसलिए वो केक और मेरा पेजेंट एकदम दिखा देते हैं। एक मग टी, मेरा फेवरेट, ये मैं अभी, यही मेरा ब्रेकफास्ट है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खाना चाहती। मेरा वेट बहुत गेन हो रहा था। हाँ, एक अच्छी बात है कि मैंने मेरा वेट थोड़ा सा घटाया है, ज़्यादा नहीं, और घटाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट बहुत सारा ड्रेसेस है जो नहीं फिट हो रहा मेरे बेली फैट के कारण, और उसे मुझे एनी हाउ घटाना है। तो आई एम वर्किंग ऑन इट। तो यही है, अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर अपना काम पे बैठ जाऊँगी, फिर देखते हैं। अब पता नहीं आज मुझे भी कैसे पता कि आज के दिन में क्या होने वाला है। तो जो भी होगा आई विल शेयर विथ यू। ये देखिए मेरा इनू अभी खेल रहा है, उसको हम लोग छोड़े हैं घर पे। ये उसका प्ले टाइम है। दरवाज़ा को ऐसे ब्लॉक करके रखते हैं कि वो बाहर भाग ना सके। इनो 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 इंती, वो जानता है उसका नाम इनू है, इसीलिए इंतू इंती इनू ये सब बोलने पर वो बदमाशी कर नहीं करता है, तब अच्छा बच्चा बन जाता है। एक्चुअली उसको बाहर जाना है डाइनिंग हॉल में, जो मैं परमिशन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि उधर जाएगा ना तो सोफ़ा है इसके ऊपर वो चढ़ जाता है, और उसको ना खरगोश का एक अजीब सा आदत है, उसको मतलब अपने नाखून से ख़राब कर देता है, तो इसलिए हम लोग बेडरूम में ही उसको छोड़ते हैं। इनो 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 ना, बेचारे इनू का भी मैं शादी नहीं दे पा रही हूँ, पता है आप लोगों को, क्योंकि मैं कोलकाता में नहीं रहती हूँ तो उसको शादी नहीं दे पा रही हूँ। मैं इधर परमानेंटली रहूँगी तब इनू का शादी होगा, क्योंकि उसको प्रॉपर देखभाल के लिए मतलब उसका एक जोड़ीदार लाऊँगी। तो ऑब्वियसली जो होता है कि बच्चा बच्चा हो जाता है तो उन लोगों का एक केयर का बात रहता है, तो उसके लिए मुझे इधर रहना मतलब कंपलसरी है मेरा इधर रहना, मैं नहीं रह पा रही। देखिए अगर अभी के शादी भी मतलब आप लोगों के हाथ में है। एकदम रेडी हो चुकी हूँ। नाउ आई एम गोइंग आउट, थोड़ा घूमने जा रही हूँ। अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, शायद हाफ एन आवर, पता नहीं। अभी 7 नहीं बजा है, 7:10 बाकी है, तो देखते हैं मैं कब तक आती हूँ, उसके बाद बोलती हूँ कितने बजे आई। और बीच में
अगर वीडियो बनाए वो भी दिखा दूँगी, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। ठीक है, टाटा बाय। पीछे माँ है, मैं मेरे पति देव के साथ घूमने आई हूँ। गंगा का घाट है, बहुत मतलब हम लोग जब भी ऐसा लगता है कि थोड़ा शांति चाहिए तो हम लोग यूजुअली ऐसे गंगा घाट में घूमने आ जाते हैं। आज भी वही आए हैं, बहुत जैम था, वो सब नहीं दिखाया आप लोगों को। चलिए बात में अभी थोड़ा टाइम पास मतलब टाइम स्पेंड कर लेते हैं, बाद में बात करते हैं। बाहर से आ गई और अभी खाने वाली हूँ, दिखाई दी आप लोगों को मूढ़ी चाट एंड उसके साथ आलू का जो चॉप होता है, आलू चॉप एंड बेगनी बोला जाता है, बेगन से बना हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कि बाहर गई तो बाहर क्यों नहीं खाना खाई, लेकिन घर में आकर सबके साथ मिलकर खाने में जो मज़ा है वो बाहर नहीं है। और आज कोई ऐसा वोकेशन भी नहीं है मुझे बाहर खाना हो। और एक बात, 27 तक मैं कुछ भी हो जाए कहीं घूमने नहीं जाने वाली हूँ। इधर वोट है, हर जगह पर माइक लेकर जैसे चिल्ला रहे सब, हम लोग ये दे देंगे, वो देंगे आप लोगों को, दुनिया बदल देंगे आप लोगों को, ये कर देंगे, मतलब इतना झूठ इतना बकवास सुनने का मेरे अंदर एटलीस्ट पेशेंस नहीं है। इसलिए मैं तो एटलीस्ट 27 तक कहीं नहीं जाने वाली हूँ। आज मैं मेरे हस्बैंड को बोल चुकी हूँ कि उसको कहीं भी जाना है तो वो जाए, लेकिन मुझे माफ़ करें। चलिए फिर से बाद में बात करते हैं।